एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत खमनपुर चौकी में सैकड़ों औषधीय पौधे रोपे गए, जिसमें डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर पौधारोपण किया। विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम ने लोगों के बीच एक गहरी छाप छोड़ी है, साथ ही लोग काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति आमजन का जागरूक होना बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं बड़कोट वन रेंज अधिकारी धीरज रावत ने सभी से अपील की है कि इस बार अधिक से अधिक पौधे लगाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। आज बड़कोट रेंज के हमने घमनपुर में यहाँ पर वन विभाग द्वारा आयोजित यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, और जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि इसमें हमारे गांव के सभी लोगों ने अपनी सहभागिता की है, समूह ने सहभागिता की है, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंडल की टीम, हमारे जिला पंचायत के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, 140 करोड़ देशवासियों का आह्वान किया है कि वो एक पेड़ माँ के नाम पर लगाए। तो ये जो आयोजन था एक पेड़ माँ के नाम पर यहाँ पर किया गया है, और बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं यहाँ पर वनों को के वृक्षारोपण किया गया है। अर्जुन के पौधे हमने रोपित किए इस यहाँ पे शिव मंदिर घमनपुर में, और माननीय विधायक जी के हाथों कर कमलों से पौधा रोपित, तो आप देख सकते हैं कि इनकी ट्री गाली प्रोटेक्शन इसका माँ के नाम पे एक पौधा रोपित किया गया, और एक ही ड्राइव अभियान है ताकि लोगों में जागरूकता हो पर्यावरण के प्रति, अपने जंगलों के प्रति। और हम माननीय विधायक जी का बहुत धन्यवाद देते हैं, अपनी मातृशक्ति का भी उन्होंने अभी प्रकृति को समर्पित किया, अभी एक मांगल गीत भी गाया, और इससे जन चेतना भी जागृत होती है, दूर तक संदेश जाता है कि हम लोग एक प्रतिबद्धता के साथ वन बने जो संरक्षण में पर्यावरण की हरितमा की अक्षुणता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपनी जो कवायद हमारी जारी रहेगी। आप लोग साहब सभी का धन्यवाद।